किसान अगर मान लीजिए जिप्सम को अपने खेतों में डालता भी है या डाल लेता है तो उसको कितना अनुमानित जो है फायदा मिलता है और उसकी उत्पादकता कितनी बढ़ती है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए किसान भाइयों, 250 किलोग्राम जिप्सम पर लगभग 700 से 1000 रुपये का खर्चा आता है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग दर के हिसाब से। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इससे लगभग 8 से 10% उपज में बढ़ोतरी होती है। यानी सीधा सीधा हिसाब लगाएं अपन, मूंगफली है, सोयाबीन है, या तेल वाली जैसे तेल की फसल है तिलहनी जो भी तो तेलहनी फसल है, या दलहनी फसल है, मूंग है, जी उड़द है, मोठ है, इनमें 8 से 10% की वृद्धि होती है उपज में। तो इसके हिसाब से लगभग 1.5 से और 3 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। यानी सीधा सीधी सी बात यह है कि आप 1 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 2 से 3 रुपये का आपको फ़ायदा उसमें होता है।